हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम सर्कल्स टॉपिक देखने वाले हैं, और सर्कल्स में आज हम फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हमारे पास एक एडिशनल टूल है जिसको यूज करके हम सर्कल्स के काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको सर्कल्स, लाइंस, पॉइंट्स, कुछ ना कुछ चीजें गिवन होती है और आपको एक मिसिंग सर्कल फाइंड आउट करना होता है। और इस मिसिंग सर्कल को फाइंड करने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो सर्कल्स के अंदर बेसिकली 4-5 टाइप की फैमिलीज होती है। अब फैमिली ऑफ सर्कल से हमारा क्या मतलब है? फैमिली ऑफ सर्कल्स में आप ऐसे समझें कि अगर आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, कोई भी सर्कल बनाना है, तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिएंगे। जैसे आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, तो आप इन 3 पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल ही बना सकते हैं, है ना। ऐसा एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला है, राइट। बट अगर जैसे मैं आपको ये 2 पॉइंट्स दूं, तो अब आप इन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल कैसे? जैसे मान लो एक आपने क्या किया, डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक आपने ऐसा सर्कल लेके बना दिया जिसके लिए ये क्या कर रही है, कोई कॉर्ड का काम कर रही है। इस तरह से आप इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो इन 2 पॉइंट्स के थ्रू पास होते हो। तो ये पूरी अपने आप में क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गई। तो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट से एक्सप्लेन किया है, उसी को अब अपन एक सर्कल और एक लाइन से देखते हैं। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, और साथ में आपके पास एक लाइन है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस सर्कल को मैं अभी के लिए एस बोल देता हूँ, इसकी कोई इक्वेशन होगी, और ये लाइन को मैं एल बोल देता हूँ, इस लाइन की भी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, तो वैसे ही ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको अगर बोला जाए कि एक सर्कल है जो इन एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है, तो अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स हो जाएंगे आपके पास। तो एक यूनिक सर्कल तो बनेगा नहीं, आपके पास ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे। तो वो सारे के सारे सर्कल्स इस फैमिली का पार्ट होंगे, और इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है एस प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट से जो सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और सपोज आपके पास जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आप वो सारे सर्कल्स जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हैं, उसको आप इस फैमिली का हिस्सा मान सकते हैं, जहां पर आप एस की जगह सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे और लाइन एल की जगह क्या लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4। अब लैम्डा यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो अलग अलग लैम्डा के लिए आपको इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे ये लैम्डा पे डिपेंड करेंगे, और ये लैम्डा निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इसको रीअरेंज करके अपनी जो सर्कल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उस फॉर्म में लाना है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। हो सकता है सर्कल में यहाँ पर भी एक्स और वाई के कोफिशियंट हो, तो उनको भी साथ ले लो, है ना, इधर से जो एक्स आ रहा है उसके। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई -25 -4 लैम्डा। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका जी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो सर्कल जो इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाए और साथ ही साथ किसी पॉइंट 2,1 से चला जाए, तो आप इसके अंदर फिर क्या करेंगे, 2,1 पुट कर देंगे। वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा और आपको सर्कल मिल जाएगा। या आपको बोल सकते हैं कि जैसे इसका जो सेंटर है, अब सेंटर कैसे आता है, माइनस जी माइनस एफ से आता है। तो ये आपका 2g है, ये 2f है, हम हाफ करके साइन चेंज कर देंगे, ये सेंटर हो गया। तो बोल देंगे कि ये जो सेंटर है ये किसी लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 पे लाए करता है, कुछ भी इस टाइप से। तो आप इसमें पुट करेंगे सेंटर, तो फिर से लैम्डा आ जाएगा। या साथ ही साथ ये भी बोला जा सकता है कि इसका जो रेडियस आ रहा है, ये रेडियस सपोज 4 के बराबर है, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे, और फिर आप इसको किसके बराबर कर देंगे, जो भी रेडियस बोल रहे। तो यहाँ से भी लैम्डा आ सकता है, अगर मोर देन 1 लैम्डा आए तो 2 सर्कल पॉसिबल है। या कुछ भी जो भी आप सर्कल्स में अभी तक निकालता है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है जिसका ये फॉर्मूला होता है, या वाई इंटरसेप्ट की जो लेंथ है, ये भी दे सकते हैं क्वेश्चन में कि एक्स इंटरसेप्ट इतना है, वाई इंटरसेप्ट इतना है। तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको अलग से ऐसी जरूर दी जाएगी जिससे आप इस लैम्डा की वैल्यू को
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली फैमिली जो हमने देखी वो देखिए कि एक सर्कल एस और एक लाइन एल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, अगर हम इन्हें बिना निकाले बिना कैलकुलेट किए, क्योंकि पॉइंट्स क्या पता इरेशनल आ जाए, तो आप इन पॉइंट्स को निकाले बिना अगर एक ऐसा सर्कल बताना चाहें जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप उसके लिए एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा निकालने के लिए चाहे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो, चाहे रेडियस की वैल्यू हो, चाहे एक्स वाई इंटरसेप्ट हो, या ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक और तीसरी लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए क्या करोगे, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देंगे। तो इस तरह से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी जहां से आपके पास लैम्डा आएगा और वहां से आपको एक यूनिक सर्कल मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली फैमिली ऑफ सर्कल्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट फैमिली ऑफ सर्कल पे आ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे अभी एक लाइन और एक सर्कल का इंटरसेक्शन के थ्रू पास हो रहा था सर्कल, अब आपको बोलेंगे क्या कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक तीसरा सर्कल जा रहा है। तो जैसे दो सर्कल्स बन रहे हैं तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, मान लो ये सर्कल है आपका एस वन बराबर जीरो और ये सर्कल है आपका एस टू बराबर जीरो, बोल रहा है ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके थ्रू एक सर्कल पास करवाना। तो अब यहां पर भी देख सकते हैं हम कि ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, जैसे ये एक सर्कल हो गया, क्योंकि दो पॉइंट्स के थ्रू आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। जैसे ही आपको तीन पॉइंट्स मिलते हैं वहां पे सर्कल आपका यूनिक हो जाता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास एक सर्कल और एक लाइन था, तो हमने एस प्लस लैम्डा एल यूज कर लिया था, उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लाइन निकाल सकते हैं। लाइन है ना जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही, इस लाइन को अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। ओके, और ये रेडिकल एक्सिस जो यहाँ पर एक तरह से कॉमन कॉर्ड है इन दोनों का, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस वन माइनस एस टू, दोनों की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हमारी जो इक्वेशन आएगी ये लाइन एल की होगी जो हमें पिछले क्वेश्चन में मिली थी। अब वापस एस प्लस लैम्डा एल लगा दें, एस सर्कल की जगह आप एस वन लो एस टू लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एस वन प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो, और एल कैसे निकालेंगे, एस वन माइनस एस टू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से फोर। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको ऐसा। ठीक है, ये एक सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक और सर्कल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, होपफुली ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सर्कल एस वन है, ये एस टू है। अब पहले आप एस वन माइनस एस टू कर ले, तो अगर आप एस वन माइनस एस टू करेंगे तो जो भी चीजें कट हो रही है वो कट कर लेंगे, पीछे आपके पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये टू एक्स और प्लस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टू वाई प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन एल हो गई। अब आप S1 प्लस लैम्डा L ले सकते हैं, अगर आपको S2 लेना है तो आप S2 भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या आ जाएगी, जैसे हम S2 लें तो S2 और प्लस में आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा L और ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये फैमिली आ गई हमारे पास, जैसा कि हमने बोला था इसके कोफिशियंट्स को आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। एक्स के साथ जैसे यहाँ टू लैम्डा माइनस टू आ रहा है, वाई के साथ भी यहाँ टू लैम्डा माइनस टू आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म थ्री लैम्डा माइनस का सेवन ये आपके पास बच जाएगा ऐसा। तो अब आपके पास ये टू जी जो है वो एक्स का कोफिशियंट है, टू एफ वाई का है, और थ्री लैम्डा माइनस सेवन सी है। अब आप लैम्डा के टर्म्स में सर्कल का रेडियस, सेंटर कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर बोले रेडियस फोर है तो रेडियस को फोर के बराबर कर देंगे, है ना। बोले फाइव कॉमा फोर से पास कर रहा है तो फाइव कॉमा फोर इसमें रख देंगे, लैम्डा आ जाएगा। तो ये जो चीज हमने यहाँ पर देखी है ये हमारी सेकेंड फैमिली को डिनोट कर रहा है, जहां पर दो सर्कल्स जो है हमारे पास उन दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक नया सर्कल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं फिर अपन। चलो तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, और थर्ड फैमिली की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, थर्ड फैमिली पर आ जाते हैं। ओके, तो थर्ड फैमिली के अंदर होता क्या है, आपके पास एक लाइन होती है और एक पॉइंट होता है, एकदम छोटा सा पॉइंट, और इसको एक सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपको बोला ये जाता है इसके अंदर कि आपके पास एक लाइन है और आपके पास इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट होता है, अभी के लिए एक्स नॉट वाई नॉट मान लेते हैं। और आपको ये बोला जाता है कि एक सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे, एक सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये लाइन उस सर्कल के लिए क्या कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। अब ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल बन गया, ठीक है,
और बड़ा ऐसा सर्कल भी बन सकता है, इससे भी बड़ा सर्कल बन सकता है ना, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं हमारे पास, तो इसकी भी पूरी फैमिली होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज एस प्लस लैम्डा एल ही करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये जो सर्कल हम ले रहे थे पहले, जिसको लाइन क्या कर रही थी, दो पॉइंट पे कट कर रही थी, हमने कहा इस सर्कल को छोटा कर दो, तो भी दो पॉइंट पे कट कर रही है। हमने कहा सर्कल और छोटा कर दो, तब भी दो पॉइंट पे कट कर रही है। अब हमने कहा इस सर्कल को पॉइंट सर्कल ही बना दो। पॉइंट सर्कल का क्या मतलब है, जिसका रेडियस ही जीरो हो जाए। तो अब ये लाइन यहाँ से बिल्कुल बस पास कर जाएगी। तो अब ये यहाँ पर हम यही ट्रिक यूज कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर दो पॉइंट पर लाइन को सर्कल से कट करवा रहे थे और वहां से हम सर्कल बना रहे थे, फैमिली आ रही थी, अब हम ये पहले वाले सर्कल को ही इतना छोटा कर देंगे कि वो ये पॉइंट बन जाएगा। तो इक्वेशन अभी भी पूरा नहीं यूज करेंगे, बस इस बेचारे का रेडियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट से जो पॉइंट है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अगर हम इसको सर्कल बनाना चाहें तो ये इसका सेंटर हो गया और हमने इसका रेडियस ही क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये भी एक तरह का सर्कल है बट रेडियस जीरो, तो ये अब हमारा एस हो जाएगा। और लाइन तो है ही हमारे पास, जो भी इक्वेशन हमें दी जाएगी। तो अगर हमें ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस निकाल, ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालनी है जिसके लिए ये लाइन, कोई गिवन लाइन टेंजेंट का काम करे, एक्स नॉट कोमा वाई नॉट पे वो सर्कल उसको टच करे, तो हम इसके लिए वही एस प्लस लेमडा एल वाली फॉर्म जो हम देख रहे थे, उस फॉर्म का यूज करके हम लिख सकते हैं कि ये फैमिली होगी एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो आपको दिया कि कोई ऐसा सर्कल है जो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को 0.4 पे टच कर रहा है, तो 0.4 वो पॉइंट हो गया और वाई एक्सिस लाइन हो गई। वाई एक्सिस की इक्वेशन पता है ना सभी को क्या होती है, एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हमारा एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये फोर हमारा वाई नॉट, प्लस लैम्डा टाइम्स एल, और एल में क्या है, ये सिंपल सी लाइन एक्स बराबर जीरो, तो हम सिर्फ एक्स ही लिख पाएंगे और तो कुछ है नहीं, इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे वो सारे सर्कल्स आ गए इस दुनिया में जो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करते हैं, 0.4। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसपे जेई मेन्स में प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए। ठीक है, तो ये पहली तीन जो फैमिलीज हैं जो हमने देखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो और फैमिलीज की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं और हम फोर्थ फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो फैमिली है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो आपको दो पॉइंट्स ही दे दिया, अभी तक तो क्या बोल रहे थे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे और वहां से क्या करेगा, एक सर्कल पास करेगा। अभी मान लो आपको दो पॉइंट्स ही दे दिए, एक दे दिया एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट दे दिया एक्स टू वाई टू। अब आपको यहाँ पे बोल दिया कि आपको फाइंड आउट करना ही है वो फैमिली ऑफ सर्कल जो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करे। जैसे कभी दे देते हैं ना कि अ सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड फिर आगे कोई और कंडीशन, तो जब टू पॉइंट्स गिवन हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी भी हम क्या करेंगे, एस प्लस लेमडा एल ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पहले एक एस और एक एल हमें चाहिए। तो सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डायमेट्रिक फॉर्म लगाते हैं। हम एक सर्कल तो ऐसा फाइंड कर ही सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, जिसके लिए डायमीटर का काम करे। और डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। और एक लाइन भी बता सकते हैं हम जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन के लिए टू पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ से स्लोप आ गया, और इसको बराबर कर देंगे वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये सर्कल एस और ये लाइन एल, हमने इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल एक लाइन ले लिया है। अब हम इसके अंदर वापस क्या कर लेंगे, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्म है, ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है, ये हमारी फोर्थ फैमिली है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और हमको इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारी हो जाएगी फोर्थ फैमिली, बात समझ में आ रही। तो हमने अभी तक थ्री फैमिली देखी थी इससे पहले, एक हमारे पास सर्कल था और एक लाइन थी, उनके इंटरसेक्शन से पास जो हो रहे थे वो सारे सर्कल्स की फैमिली की बात करी हमने। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमारे पास अगर दो सर्कल्स हैं और वो दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले एस वन माइनस एस टू करके लाइन निकाल लेंगे और फिर एस प्लस लैम्डा एल से उसकी भी फैमिली आ जाएगी। थर्ड केस के अंदर हमने क्या बोला था कि अगर मान लो आपके पास एक लाइन दे रखी है और वो लाइन जो है वो सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है किसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट,
तो उसके केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सर्कल निकाल सकते हैं, पॉइंट सर्कल एस, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, और फिर वापस एस प्लस लेमडा एल लगा देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। और अभी हमने जो फोर्थ केस देखा है, इस फोर्थ केस के अंदर क्या है, हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके थ्रू सर्कल्स जो है वो पास हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से एक तो लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं और इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मानकर एक सर्कल एस निकाल देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एक सर्कल तो चाहिएगा। और फिर हम वापस क्या कर सकते हैं, इसमें एस प्लस लेमडा एल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फोर फॉर्म्स जो है हमने ये अभी तक देख लिए, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है कहानी। तो इसके अलावा और भी फैमिलीज होती है ना, बट अभी के लिए हम मेजरली इन्हीं फैमिलीज पे फोकस करेंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इन फैमिलीज पर बेस्ड हैं और जेई के अंदर, प्रीवियस ईयर्स के अंदर, मेंस के अंदर आए हैं, है ना। तो अपन इन्हीं पर बात करेंगे, अब इनके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं अपन और आप खुद से ट्राई करें, और एक बार आप ट्राई करेंगे उसके बाद फिर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लिखे हैं, लाइन 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट 2.5 whose center lies on x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस, या कुछ भी चीज निकलवा सकते। अब आपका काम यह है कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ना और फिर उसमें आइडेंटिफाई करना कि क्या ये एक्चुअली फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन है। अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन है तो कौन सी वाली फैमिली इसके अंदर एक्चुअली अप्लाई हो रही है। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस इक्वल वन इक्वल टू जीरो, ये टेंजेंट है, और किधर टेंजेंट है सर्कल का, 0.2.5। तो कोई फैमिली याद आ रही है अपन ने ऐसे देखी थी, बिल्कुल। तो हमने यहाँ थर्ड फैमिली में क्या बोला था कि अगर एक लाइन है एल और उस पर एक पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो उसके थ्रू जो सारी वो सारे सर्कल जो इस पर टेंजेंट है इस पॉइंट पे, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स में लिखे जा सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या यूज किया था, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस लेमडा एल। तो फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है, सेंटर लाइज ऑन, ये आपका लेमडा निकालने में काम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके केस के अंदर क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस y नॉट स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। अब लैम्डा टाइम्स टेंजेंट की इक्वेशन ये रही, लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस y प्लस 1, ये आप कर देंगे 0। अब हम इसे ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 29, और लैम्डा के साथ ये वाला टर्म्स हमें दे रखे। अब इसके केस के अंदर सारे के सारे कोफिशियंट हैं वो हम एक साथ ले लेंगे, जैसे x के साथ आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 4, y के साथ आ रहा है माइनस लेमडा माइनस 10, और कांस्टेंट हमें 29 प्लस लेमडा। अब यहाँ पर सेंटर इस पे लाए कर रहा है इस लाइन पे, तो सेंटर निकालेंगे पहले माइनस जी माइनस एफ, ये 2g2f है, तो माइनस जी माइनस एफ क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा प्लस 2 कॉमा लेमडा बाय 2 प्लस 5, ये सेंटर हमारे पास आ गया। अब इस सेंटर को हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और उठा के इसमें रख देंगे। तो आप यहाँ पुट करें अब इसे, माइनस लेमडा प्लस 2, ठीक है, और माइनस टू टाइम्स में क्या आ जाएगा, वाई, वाई में क्या है लैम्डा बाय टू प्लस फाइव, और इसको इक्वल टू फोर कर दो। अब जब आप यहां से इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसकी मिलेगी, लैम्डा की मिल जाएगी। तो यहां से ये इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे अपन, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लैम्डा पता चलते ही अब आपके पास ये सर्कल आ गया, तो आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू जो भी आपके पास आई है वो आप यहाँ पर उठाकर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब जब सर्कल आ जाएगा तो उसके बाद रेडियस निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। तो ये एक हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स का एग्जांपल है जो थर्ड फैमिली पे बेस्ड था, और सबसे ज्यादा यही यूज हुआ है अभी तक जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये चारों फैमिलीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और आपको केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने केस अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फैमिली है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये फैमिली वाला क्वेश्चन है, फैमिली वाला क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी फैमिली, उसके बाद उस फैमिली को आप अच्छे से लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। एक और देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आपके पास है अ सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ है, तो यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको।
कि अच्छा सर्कल इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना, किसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, दो सर्कल दे रखे हैं आपको, तो अब ये कौन सी वाली फैमिली हो गई हमारी, सेकेंड वाली फैमिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है जो कि नहीं दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब लैम्डा निकालने के लिए आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, हैविंग इट्स सेंटर ऑन 2x-3y, तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, यहाँ भी सेम इंफॉर्मेशन है कि सेंटर निकालो, सेंटर इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास दो सर्कल्स है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बिल्कुल सबसे पहले हम इसकी रेडिकल एक्सिस जो कॉमन कॉर्ड है वो निकालेंगे, तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारा एल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर S1 + λL लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² + y² - 6x + λ टाइम्स 4y माइनस में आ जाएगा यहाँ 6x, ये आप कर देंगे क्या इक्वल टू जीरो। अब सारे कोफिशियंट्स एक साथ ले लेंगे हम, x के साथ क्या आ रहा है -6λ - 6, और y के साथ क्या आ रहा है 4λ y, c यहाँ पर है नहीं, अब सेंटर -g - f होता है, तो वो आ जाएगा 3λ + 3 - 2λ, अब बिल्कुल वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, 3λ + 3 को x की जगह रख देंगे और -2λ को y की जगह रख देंगे। ऑप्शंस में आपसे सर्कल निकलवा लिया था और उसके बाद पूछा था कि बताओ इन चारों में से कौन सा पॉइंट है ऐसा जो कि क्या करेगा, इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास सर्कल आ जाएगा, फिर चारों पॉइंट्स उठाकर सर्कल में पुट करके देख लेंगे जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा पहले तो ये जो सेंटर है, आप पहले इसको यहाँ पुट करें, ये पुट करने से आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की आ जाएगी, तो आप इसको यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास -3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आने के बाद तो हमारे पास सर्कल आ गया है ना, नहीं -3/2 आ जाएगी, तो ये 6λ 6λ 12λ और +18, तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो आपके पास सर्कल आ गया, फिर आप पॉइंट्स पुट करके देख सकते हो कि क्या आंसर आएगा, क्लियर है बात। तो ये हमारा इसी तरह ये कौन सी फैमिली पर बेस्ड था, सेकंड फैमिली पर बेस्ड था, ठीक है। इसी तरह हम और भी देख सकते हैं, तो आइडिया आप देख पा रहे हैं, आइडिया सेम रह रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फैमिली के हिंट है या नहीं, अगर फैमिली होगी तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी कुछ ना कुछ आपको इस तरह से जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो हम एक और देख लेते हैं ऐसा, तो अ सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट 0.4, ये देखो फिर से वही आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, अ सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट 0.4, इसका मतलब ये टेंजेंट है और ये वो पॉइंट x0, y0, एंड पासिस थ्रू 2.0, ठीक है, और आगे और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, ठीक है। तो हम पहले ये सर्कल निकालेंगे, तो अब ये फिर से थर्ड फैमिली है, हमारी लाइन एल क्या हो गई, वाई एक्सिस क्या होता है x = 0 और ये पॉइंट हमारा x0, y0, तो सर्कल कैसे आ जाएगा, x - x0² + y - y0² + λ (L = 0। अब इस बार लैम्डा निकालने के लिए क्या दे रखा है कि सर्कल 2.0 से क्या करता है, पास करता है, 2.0 से पास करता है, तो 2.0 पुट कर दो, ये आ जाएगा 4 + 16, एक्स की जगह 2 रख रहे हैं, वाई की जगह 0 रख रहे हैं, +2λ, ये 0 आ गया, तो लैम्डा मिल गया -10। अब हम इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास सर्कल आ जाएगा। अब ऑप्शंस में क्या पूछा था, जेई के अंदर जो आया था उन्होंने पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन इसके टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होगी कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो ये चार लाइंस दे रखी है आपको, सबका क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ रहा है या नहीं ये चेक करना है। सेंटर क्या आ रहा है इसके अंदर, आपका सर्कल तो निकाल लिया 5.4, और रेडियस क्या फॉर्मूला होता है, g² + f² - c, तो रेडियस आ गया 5। अब आप क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन के अंदर 5.4 से डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे, जो 5 है वो टेंजेंट है, जो 5 नहीं है वो टेंजेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर क्या बनेगी डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना हमें, 4 × 5 - 3 × 4 + 17, नीचे आ जाता है √a² + b², तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये टेंजेंट है। इसी तरह हम सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फैमिली, अब ये फैमिली ऑफ सर्कल में आपसे सर्कल निकालेंगे और फिर अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं कि जैसे ये फैमिली आपने निकाल ली, अब बताओ ये इनमें से कौन सा इसका टेंजेंट है, या ये बताओ कि ये सर्कल कहाँ से पास करता है, या इसका नॉर्मल बताओ,
है ना, या ये किसी और सर्कल के साथ इसके कितने टेंजेंट बन रहे हैं ये बताओ। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे अलग अलग वे में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया है जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, जो आप ट्राई कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हैं आपका क्या आ रहा है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो क्वेश्चन ये भी हमारी थर्ड फैमिली पर ही बेस्ड है। तो इफ लाइन एक्स इक्वल टू वाई टचेस अ सर्कल एट वन कॉमा वन एंड सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू 1, -3 देन फाइंड इट्स रेडियस, देन फाइंड रेडियस। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, या आप आंसर मुझे बता सकते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब आइडिया है हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स का। सर्कल्स का इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में, वो कई बार ज्योमेट्री पर बेस्ड होते हैं, और कई बार जो बेसिक नॉलेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं सारी की सारी चीजें सर्कल्स के बारे में, उन पर भी आते हैं। बट फैमिली ऑफ सर्कल्स एक और टॉपिक है जो आई बिलीव आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और क्वेश्चंस ट्राई करते रहें, ये होमवर्क लगाएं, और चारों फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे फॉर्मूला जो हमने देखे हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलो तो हम यहीं से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।